चलेंगे चामुंडेश्वरी टेम्पल के पास। तो फिर सभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, पार्किंग का लगा 20 रुपीज। चल रहे हैं टेम्पल की तरफ आगे। फिर स्टार्टिंग में आपको ना बहुत सारा बता देने मिलता है, मार्केट है यहाँ पे, कुछ बाय कर सकते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब आउटसाइड मार्केट से यहाँ इनसाइड मार्केट में बहुत महंगा है। तो फ्रेंड्स हम टेम्पल के पास पहुँच चुके हैं, ये रहा टेम्पल। मुझे लगा था कि इधर भीड़ नहीं रहेगा, बट इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, नीचे उतना भीड़ नहीं है, बट ऊपर आने के बाद देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, तो बहुत ज़्यादा। एंट्री फीस 30 रुपये का भी है, 60 रुपये का है, और 100, 200, 300, 400 का भी है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेन टेंपल का एंट्रेंस की तरफ। यहां तक पहुंचने के लिए हमको लग गया मिनिमम 1 घंटा, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। मंदिर के अंदर दर्शन हो गया, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आउटसाइड, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फोटो निकालना अलाउ नहीं है, क्योंकि तो बाहर निकालना पड़ता है, पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो ना आपको 2-3 सेकंड से ऊपर ना दर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता है। देखो खाने के लिए दे रहे हैं। फाइनली हम आ चुके हैं आउटसाइड, तो आउटसाइड में बहुत कुछ है, आप अगर स्वीट्स खरीदना है तो सब कुछ मिलता है आउटसाइड में। आप देख सकते हो बैक साइड में मेरा कितना बड़ा टेंपल है, देखो वहां से लेके इधर तक बहुत बड़ा है। अभी हम जा रहे हैं मैसूर पैलेस में, जो नाइट का जो लाइटिंग होता है ना वो देखने के लिए, वो देखने के बाद जाने वाले घर पे वापस। फ्रेंड्स अभी हम कहाँ से उतर गए हैं, चामुंडेश्वरी जो हिल्स है ना मैसूर का, यहाँ से पूरा मैसूर का व्यू पॉइंट आता है वो देखने के लिए। आगे देखते रहिए, दिखाता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत नजारा दिख रहा है, बट बहुत अच्छा है यार ये नजारा, बहुत बोलता हूँ। अभी नाइट हो गया ना, अभी टाइम कितना हो गया, 6 o'clock हो गया है, इसीलिए पूरा फॉग फॉग, क्योंकि ठंडी बढ़ गया ना इसलिए फॉग जमा हो गया, नहीं तो पूरा पूरे का पूरा दिखने वाला था। अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये रहा। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाने वाले हमारे भैया ड्राइवर भैया, अगर हमको इनका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए ना तो आ जाइए, बहुत अच्छा प्राइस में आपको पूरा जगह घुमा देंगे ये लोग। वहाँ पे है प्ले ग्राउंड, वो व्हाइट बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, हाँ सामने वाला मैसूर का पहला 5-star होटल ललित महल पैलेस, वो अच्छा वही है, वही है 5-star होटल पहला वाला, हाँ मेरे को दिख गया 5-star होटल वो। और प्ले ग्राउंड कौन सा है, वो व्हाइट वाला गोपुर दिख रहा है ना, मैसूर का नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस वो, अच्छा कलेक्टर ऑफिस पे देखा था ना गाड़ी पे, हाँ वही है गुंबद वाला, गुंबद जी इधर आइए भैया, इधर आइए इधर आ जाओ, वो पानी से दिख रहा है ना, हाँ पानी से, वो कारंजी लेक नेचर प्लेसेस, ये वाला मैसूर का कारंजी लेक नेचर प्लेसेस, बोटिंग वोटिंग सब भी मिलता है उधर, बोटिंग भी है वो, बोटिंग सब भी है, ग्रीन कलर ऊपर में है ना वो चामुंडी स्टेडियम, वो मैसूर का बड़ा स्टेडियम और स्विमिंग पूल, बैडमिंटन लेडीज का सब भी खेलता है, ये रेस कोर्स भैया, हाँ इसका इधर वो पूरा लाइट डाला है ना, बिल्डिंग दिख रहा है वो मैसूर का नंबर 2 5-star होटल रेडिसन ब्लू, रेडिसन ब्लू, रेडिसन ब्लू, उसके बाजू में 2 गोपुर दिख रहा है ना, दिख रहा है मैसूर का पहला मॉल वो मैसूर मॉल, वो लेडीज दिख रहा है ना, मैसूर का एग्जीबिशन वो दसरा एग्जीबिशन जो आपने बोला था, हाँ वही है, उसका सामने दिख रहा है ना देखो वो, वही है मैसूर महाराजा पैलेस, लाइटिंग दिख रहा है ना उधर सामने, इधर से 7 बजे से वो देखो बहुत से अच्छा से देखना होता है, इसलिए ऊपर में सभी करता है इधर मैसूर का सभी देखने के लिए। देखिए आपका फोटो भैया ने बहुत अच्छा मौसम से किया है, अगर आपको आना ना तो जरूर आइए, बहुत अच्छा है चामुंडेश्वरी हिल्स है, और मैं अच्छा फोटो ले लगा आपका।